बच्चों सुप्रभात, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान सब्जेक्ट में कि पाचन तंत्र में कुछ मुख्य तथ्यों पर हम विचार डालेंगे कि मुख्य तत्व में ये क्या क्या बिंदुओं पर हमको पढ़ाई करनी है। पाचन मुख्य बिंदुओं पर जानकारी व्यक्त करनी है। इसमें है कि अगर अमाशय क्या है, अमाशय में हम पढ़ेंगे कि आगे अमाशय के बारे में कि अमाशय क्या होता है। अमाशय पेट है, पेट के बारे में सारी आंतरिक जानकारी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या इंटरनल रचनाओं में बताया गया है या क्या क्या हमें पढ़ना, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। पहले तो देखेंगे कि स्ट्रक्चर, रचना और स्थिति, कि इसका आकार भिस्ति की तरह होता है और यह आहार मध्य नलिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर और लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और जो डायाफ्राम होता है वो उसके नीचे बाईं ओर रहता है, इसका मध्य पट्टा। इसके ऊपरी सिरे को हम ग्रास नलिका से जुड़ा रहता है, जो कार्डियक सिरा कहते हैं उसे। इसके नीचे जाते ही दाहिने बाजू की ओर जो छोटी उधर पाई जाती है, छोटी आंत का हिस्सा खुलता है, उसे पायरालिक सिरा कहते हैं। इन दोनों जगह संकोचन स्नायु लगे रहते हैं और जो कि वर्तुलाकार में होते हैं, यानी गोल गोल घूमने वाले। फिर यह अमाशय मुंह खोलने और बंद करने में सहायक होते हैं। अब हम देखेंगे कि अमाशय की आंतरिक रचना में क्या क्या बताया गया है। सबसे ऊपर की परत को उत्क्रांत वेष्टांग कहते हैं, पैनिकियोनियम कहते हैं। यह चमकीला गुलगुला आवरण होता है, इसमें इस प्रकार का रस निकलता है जो चिकना बनाए रहता है, किसको, भोजन को, और दूसरे अंगों से रगड़ खाने से बचाता है। जैसा कि ये रचना बताई गई कि ये ऊपर की मांसपेशी के स्तर के पास है और ये पेरिटोनियम लेयर है। फिर गोलाकार मांसपेशियां ये हैं इस टाइप की, फिर तंतुमय मांसपेशियां ये हैं। इसके बाद में मसल्स बताए गए हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, फिर आंतरिक मांसपेशी ये वाली। इसके बाद ये वाली लेयर जो होती है वो टॉब्यूक्युलर मसल्स के लेयर होती है। फिर यहाँ देखिए ये रक्त वाहिनियां होती है, ये जो गोल गोल होती है ये रक्त वाहिनियां होती है, है ना। और ये लार ग्रंथि होती है, ये जो इस टाइप से बनी हुई है लहरदार, ये लार ग्रंथि होती है। इस टाइप से हम इसमें अमाशय की रचना को हमने पढ़ा। आगे बढ़ेंगे कि अमाशय में ये जो चित्र बताया है इसको आप ध्यान से देखिए। सेलिवरी ग्लैंड जो भोजन को रसीला बनाए रखती है, माउथ, माउथ से जाते हुए भोजन सीधा लीवर में इधर से जाते हुए स्टमक, पहले तो यहाँ से आता है, ये सीधे कहाँ आता है, ये अमाशय, ये गॉल ब्लैडर है और ये श्वान इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये बड़ी आंत, ये वाली कौन सी है, बड़ी आंत, और छोटी आंत ये वाली, जिसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। और ये अपेंडिक्स रेक्टम होता है, एनुस होता है, जो भोजन नीचे की ओर खिसकता जाता है। आगे हम देखेंगे कि इंटेस्टाइन में अमाशय में आगे बताया है कि यह पेशियों से बनी परत होती है और इसमें तीन तरह की परत होती है, खड़ी, आड़ी तिरछी, आड़े पेशियों के द्वारा अंत नलिका के पास मुंह और छोटी आंत के पास मुख बंद रहता है। जैसा कि हम
जठर ग्रंथियों से रस होता है और वह छोटी नली के द्वारा जठर रस आमाशय के अंदर तक पहुंच जाता है। जठर रस की भीतरी परत स्लीज से बनी होती है और यह जठर रस खाली हो जाता है जो उस पर झुर्री सी पड़ी रहती है। आगे हम देखेंगे कि इसमें आमाशय में आगे और कौन कौन सी छोटी अब है इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखा इसकी स्थिति और रचना के बारे में कि जैसे ये पायलोरिक संकुचन से आरंभ होती है जठर रस से ही, फिर इसकी कुल लंबाई 6.5 मीटर और चौड़ाई 7-8 सेंटीमीटर होती है। यह लचीली पेशियों से बनी हुई होती है और कुंडलित स्थिति से उधर से बाहर हो जाती है। जैसा कि हमने पिछली रचना में देखा डियोडीनम बकवाशय छोटी आंख के आरंभिक 25 सेंटीमीटर के भाग की रचना को हम बकवाशय या गृहिणी बोलते हैं। छोटी आंख के अन्य भाग की अपेक्षा चौड़ा चौड़ा होता है, वह घोड़े की नाल के समान अर्ध चंद्राकार होता है, अर्ध वृत्ताकार। बकवाशय के आगे अगले भाग में पित्त नली और पित्ताशय होता है और पित्ताशय का संबंध यकृत से होता है जो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। बकवाशय के भाग में ही अग्न्याशय अपनी अग्नि नली द्वारा खुलता है और गृहिणी एवं बकवाशय से अलग नली द्वारा पाचक संसाधन मिल जाते हैं और इस प्रकार से जहां भोजन का 95% भाग पचता है और यहां पर भोजन तरल कायम के घोल में घोल के रूप में बदल जाता है, पतला हो जाता है। इसके बाद है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। जैसा कि हमने पिछले चित्रों में पढ़ा उसकी ये इंटरनल रचना कैसी है, ये इस टाइप से बनी हुई होती है जैसा ये एल्बो वाला पाइप होता है उस टाइप से ये इंटरनल की रचना बताई हुई है ना। उसके बाद में बड़ी आंत 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। बड़ी आंत दाहिनी तरफ से छोटी और प्रारंभ ऊपर से आकर जो मिलती है। बड़ी आंत के नीचे बंद आंत का भाग होता है, स्थूल अंडाशय कैंकुम कहते हैं। इसे नीचे से 10 सेंटीमीटर लंबा हिस्सा होता है जो नीचे लटकता हुआ होता है और अपेंडिक्स कहते हैं इसे। आंत्र उच्च में अमीबा या लाभकारी जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो जटिल भोजन को तोड़कर सरल संक्रमण में बदल देते हैं और यह 3 भागों में आगे जाकर विभाजित हो जाता है जैसे ऊर्ध्वगामी वृद्धान और अनुप्रस्थ वृद्धान और इसके बाद है अधोगति अधोगामी वृद्धान। ये नीचे का भाग होता है या बाईं ओर दिया भी ओर से कंटेन में उतरता है यानी नीचे तरफ। उसके बाद बड़ी आंत में 12 से 15 सेंटीमीटर में भाग में आगे बढ़कर रेक्टोमलाशय में और होते हुए गुदा द्वार पर समाप्त हो जाता है। सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से हम देखने पर पता चलता है कि छोटी आंत के जैसे ही हम आंत के पास देखते हैं तो परंतु छोटी आंत की तरह बड़ी आंत के अंदर त्वचा पर झुर्री और सलवट होती भी शोषणांग और विलायक होते हैं। बड़ी आंत छोटी आंत जैसे चिकनी नहीं होती और आड़ी होने के कारण यह जगह खुली हुई दिखाई देती है। इसके बाहरी आवरण पर स्नायु आड़े और लंबे होते हैं। इस कारण यह आंत जगह जगह खुली दिखती है। गुदा द्वार में वर्तुलाकार पेशियां होती हैं इस टाइप। फिर इसी कारण मल विसर्जन की क्रिया इच्छानुसार हो सकती है। मुंह में पाचन का कार्य कि मुंह में पाचन लार ग्रंथियां इस तरह से काम करती। दांतों द्वारा भोजन बहुत ही महीन टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। अब बिल्कुल महीन पिसा हुआ भोजन जीभ की सहायता से लार के साथ खूब सन जाता है यानी महीन हो जाता है। लार में टाइलिन तथा ये म्यूसिन विकर एंजाइम निकलता है। यहाँ पर जीभ की सहायता से लार खूब सन जाता है,
उसके बाद में लार में टाइलिन, म्यूसिन और एंजाइम निकलते हैं। फिर वह कार्बोज को माल्टोज में बदल देता, शक्कर में बदल देता है। भोजन को पाचन मुंह से ही शुरू किया हो जाता है, इसलिए खाने का मुंह में काफी समय तक रहता है तथा टाइलिन की क्रिया को वह पर्याप्त समय मिल जाता है और भोजन खूब चबा चबा कर धीरे आराम से हमें खाना चाहिए। म्यूसिन भोजन को लसलसा बनाता है। ये प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकते हैं बच्चों, आपको कॉपी में लिखना है और पढ़ाई करनी है।